गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू क्विकली स्टार्ट विद द चैप्टर बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट. फाइन, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लेसन नंबर 15, रजिस्ट्रेशन एक्ट. तो आई वुड वॉन्ट कि सब लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझेंगे. ज्यूरिस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे रेलिवेंट चीज़ ये है कि यू डोंट हैव टू लीव एनी चैप्टर. ज्यूरिस में जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी शायद ये चीज़ क्लियर करी थी कि ज्यूरिस प्रूडेंस की एक प्रॉब्लम ये है, ठीक है, अच्छी बातें तो होती हैं, प्रॉब्लम ये है ज्यूरिस प्रूडेंस की कि देर इज़ नो डिविजन ऑफ पार्ट्स. एंड वेन देर इज़ नो डिविजन ऑफ पार्ट्स देन एवरी चैप्टर इज़ अ रेलिवेंट चैप्टर. ओके, तो हम लोग कभी भी ये नहीं कर सकते, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में हमें पता है ये चीज़ इतने मार्क्स का आएगा, ये इतने मार्क्स का आएगा, बट ज्यूरिस में हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा. तो अगर आपकी ऐसी कोई प्लानिंग हो या आप पहले से ऐसे कभी करते हो कि हम इतने में से इतने चैप्टर करके चले जाएंगे, तो प्लीज़ डोंट डू इट एज फार एज ज्यूरिस प्रूडेंस इज कंसर्न. ठीक है, तो सारे ही चैप्टर आपको करने हैं और उसमें से आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं दैट इज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1902. Let's start. What is registration? Have you all heard about registry? I'm very sure ये शब्द आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा. Registry सुना है कि हमारी इस building की, हमारी इस property की registry होनी है, या जब कभी आप कोई नया flat लेते हो तो आपने सुना होगा इसकी registry होनी है, या court में जाके इसकी registry करवानी है. So how many of you have heard this word registry? सुना है ना, सुना ही होगा. ना सुना हो तो आज घर जाके ज़रा पूछिएगा कि हमारा जो घर है इसके जो पेपर्स हैं उनकी रजिस्ट्री हुई है कि नहीं है. तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स बता देंगे कि हाँ रजिस्ट्री हुई है. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ट्रांजैक्शन वेयर देर इज़ अ सेल और परचेज ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने आपको एक प्रॉपर्टी बेची, आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, आज से उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपकी हो गई, ठीक है, आपने हमको पैसा दे दिया, वो पैसा मेरे पास आ गया. नाउ ये एक ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है. इस ट्रांजैक्शन को हम लोग एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेल डीड. ओके, जो स्टैम्प पेपर पे बनती है उसको सेल डीड कहते हैं, जिसमें लिखा जाता है कि जो सेलर है उसने अपनी प्रॉपर्टी बायर को दे दी है. और ये जो स्टैम्प पेपर पे डॉक्यूमेंट बनता है इसी को आप कहते हो रजिस्ट्री. एक्चुअली रजिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जब हमने कोई प्रॉपर्टी आपको बेची तो वो ट्रांजैक्शन बायर और सेलर के बीच में हुआ, लेकिन उसी के साथ सारे ट्रांजैक्शंस की एक रिकॉर्डिंग करवानी पड़ती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में. जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारे शहर के अंदर या जहां पर भी हमारे देश के अंदर, हर उस प्रॉपर्टी का डिटेल्स, हर उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन रजिस्ट्रार के ऑफिस में मेंशन्ड होता है. ये रजिस्ट्रार होते हैं जो प्रॉपर्टी के म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि एक शहर की अगर हम लोग बात करें तो एक शहर में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी हाउसेज हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इन सब का डिस्क्रिप्शन म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करता है. नाउ सपोजिटली ये बिल्डिंग आज मेरी है, ठीक है, और इस बिल्डिंग के ओनर हम हैं. ये डेटा, ये डिस्क्रिप्शन म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में मेंशन होगा कि भाई सच एंड सच प्रॉपर्टी है, इतने इतने एरिया की है, ठीक है, इतने फ्लोर्स हैं, और इस प्रॉपर्टी का ओनर मिस्टर ए है. अब ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में मेंशन है. नाउ आज हमने ये सोचा कि हम ये प्रॉपर्टी आपको बेच देते हैं, मतलब मिस्टर ए ने सोचा कि मिस्टर ए इज़ गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी. हमने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, आपने हमको कंसिडरेशन दे दी, हमने आपको बिल्डिंग की चाबियाँ दे दी, हमारे बीच में ये ट्रांजैक्शन तो हो गया. लेकिन ध्यान से सोचिए तो इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग अभी तक म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में नहीं हुई है, यानी कि अगर हम लोग गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में देखें तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आज भी वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ही रजिस्टर्ड होगी. यानी अब ट्रांजैक्शन क्या होता है, कल को अगर मान लीजिए कोई क्लेम अराइज होता है या कल को हम डिनाई कर देते हैं कि हमने आपको ये प्रॉपर्टी बेची ही नहीं, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में चेक किया जाएगा और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में मेरा ही नाम लिखा होगा. तो व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसीजर, प्रोसीजर ये होता है कि अगर हमने आपको कोई प्रॉपर्टी बेची है तो वो जो ट्रांजैक्शन हमने आपके साथ किया है
इसकी रिकॉर्डिंग हमको गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में करवानी पड़ती है. तो वेन एवर आई एम सेलिंग सम प्रॉपर्टी टू यू, तो इसके लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को सेल डीड कहते हैं. ठीक है, उस सेल डीड में हम लोग लिखेंगे कि भाई हमने अपनी प्रॉपर्टी इतने इतने अमाउंट में आपको ट्रांसफ़र करी है. फिर इस डॉक्यूमेंट को लेके हम लोग जाते हैं म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स के पास. हमारी नॉर्मली हम लोग कहते हैं, हम लोग कचहरी जाते, कोर्ट जाते, क्योंकि वहाँ पर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग्स होती हैं. अब हम अपना ये डॉक्यूमेंट लेके उनके पास गए और हमने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई ये प्रॉपर्टी अब हम मिस्टर बी को बेच रहे हैं, तो आप अपने म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में से हमारा नाम हटा दीजिए और मिस्टर बी का नाम डाल दीजिए. जब ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो देखा जाए तो सही मायने में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में अब हमारा नाम हटा करके आपका नाम रिप्लेस हो गया एंड लीगली अब ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई. दिस इज व्हाट इज नोन एज रजिस्ट्री. तो जब कभी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपके घर वालों ने कोई नया फ्लैट खरीदा, तो आप कहते हो ना कि फ्लैट खरीद लिया, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है. तो फ्लैट खरीद लिया है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने फ्लैट परचेज कर लिया है, ठीक है, हमने पैसा दे दिया है, चाबियां हमको मिल गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हमने अभी तक उसका अपडेशन नहीं करवाया. जिस दिन हम उसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में अपडेशन करा देंगे, उस दिन से मान लिया जाएगा कि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, विच इज नोन एज रजिस्ट्री. तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है. और इस ट्रांजैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो डॉक्यूमेंट, जिसको मैंने आपको बताया सेल डीड कहते हैं. वो एक डॉक्यूमेंट है. आपने देखा होगा, अगर आपने कभी रजिस्ट्री के पेपर्स अपने घर वगैरह में देखे हों, या आप आज घर पे ट्राई कर सकते हो, घर पे बोलना पेरेंट्स से कि हमको ज़रा प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दीजिए, रजिस्ट्री दिखा दीजिए इस बिल्डिंग की, इस फ्लैट की. हो सकता है थोड़ा सस्पिशियस नज़रों से घर वाले आपको देखें कि अचानक से प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों देख रहे हैं. बट देन फॉर योर नॉलेज पर्पस आज एक काम करना, घर पे जाके पूछना कि भाई ये जो हमारा घर है इसके प्रॉपर्टी के पेपर्स. वैसे तो कोई आपको दिखाएगा नहीं, ठीक है, बट स्टिल कोई दिखा देता है तो बहुत अच्छी बात है. तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है सेल डीड. सबसे पहली चीज़, वो सेल डीड जो बनती है वो स्टैम्प पेपर पे बनती है. जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन स्टैम्प पेपर पे बना है, इसका मतलब ये हो गया कि उस पर क्या पे किया होगा आपने, स्टैम्प ड्यूटी. अगर कोई डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर पे बना है, इसका मतलब हमने उस पर क्या पे की होगी, स्टैम्प ड्यूटी. और स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद अब उस डॉक्यूमेंट की हम रजिस्ट्री करवाने वाले हैं, मतलब हम उस डॉक्यूमेंट के डिटेल्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में चढ़वाने वाले हैं. इसके लिए हम करवाते हैं रजिस्ट्री. तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में दो एक्ट लगते हैं, ठीक है, दो लॉ. जब हम उस स्टैम्प पेपर पे वो डीड बनाते हैं, वहाँ पे लगता है इंडियन स्टैम्प एक्ट. कितने की स्टैम्प ड्यूटी होगी, कैसा स्टैम्प पेपर होगा, ये सारी चीज़ें इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से लागू होती हैं. वो भी आपके ज्यूरिस के कोर्स में है, ठीक है. और जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं, कहाँ रजिस्ट्री होनी है, कौन करवाएगा, कैसे होनी है, इन सारी बातों के लिए जो लॉ बनाया गया है, जो एक्ट बनाया गया है, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन एक्ट. आप बताओ, ये एक जिस्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन. क्विकली टेल मी कि सबको समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया, या इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन माइंड यू कैन आस्क. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं? अगर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. फटाफट से आंसर करिए, यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर? तो आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, पता चला कि अच्छा रजिस्ट्री क्या चीज़ होती है. धीरे धीरे लॉ के ये बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस, ओके ओके, फाइन फाइन. तो आई थिंक यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई कि व्हाट इज रजिस्ट्री, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन. और एक छोटा सा काम भी हमने आपको दिया है, ठीक है, कि आप अपने घर के रजिस्ट्री के पेपर्स ज़रा देखिएगा. वो एक डॉक्यूमेंट, एक डीड होती है जिसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कोर्ट में जा कर के करवाते हैं. ना देखने को मिले तो परेशान मत होइएगा, ये मत बोलिएगा कि मैम ने बोला है, हमको मत फंसाइएगा, ठीक है. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द चैप्टर रजिस्ट्रेशन. ओके, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इंश्योर इट्स
प्रॉपर प्रेजर्वेशन एंड रिकॉर्ड. रजिस्ट्रेशन करवाने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं. अभी हमने आपको बताया मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन सरकार को थोड़ी ना पता है इस बारे में. सरकार के रिकॉर्ड्स में तो वही लिखा है जो डेटा पहले से ही लिखा हुआ था. तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन प्रॉपरली प्रिजर्व हो, देन इन दैट केस हमें उस डॉक्यूमेंट का क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन. हमको एक बात बताओ, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का होता है? रुको, हाँ, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का होगा कि ट्रांजैक्शन का? मतलब मेरे और आपके बीच में जो सेल का ट्रांजैक्शन हुआ उसका रजिस्ट्रेशन होगा, या वो जो डॉक्यूमेंट हमने बनवाया है उसका रजिस्ट्रेशन होगा? मान लीजिए हमने और आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं. हमने कहा भैया कहाँ डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, सेल डीड बनवाएंगे, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देनी पड़ेगी, इससे बेटर ये है आप हमें चाबियाँ दे दो. मतलब हम बिल्डिंग बेच रहे हैं ना, हम आपको चाबी दे देते हैं और आप हमको कैश दे दो और आज से ये बिल्डिंग आपकी. ठीक है, हमारे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, हमने कहा भैया बिल्डिंग हमसे ले लो. बिल्डिंग लेने का मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग को फिजिकली थोड़ी दे सकते हो, चाबियाँ दोगे. तो हमने आपको चाबियाँ दे दी और आपने हमको कैश दे दिया, हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो गया, ना हमने कोई सेल डीड बनाई. इस सिचुएशन में बताओ क्या रजिस्ट्री हो सकती है? अगर हमारे और आपके बीच में एक ओरल ट्रांजैक्शन हुआ है, तो क्या ओरल ट्रांजैक्शन के बेसिस पे रजिस्ट्रार उसको अपने रजिस्टर पे अपडेट करेगा? क्या इस ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन हो सकता है? यस और नो बताइए, ट्रांजैक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. आपने ओरली एक ट्रांजैक्शन कर लिया और आप रजिस्ट्रार के पास गए, आपने कहा भैया रिकॉर्ड्स में अपडेट कर दीजिए. वो कहेगा क्या सबूत है कि आपके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है? हमें कोई सबूत तो ला के दो. वो डीड कहाँ है? वो डॉक्यूमेंट कहाँ है जिसके बेसिस पे आपने ओनरशिप ट्रांसफर करी है? इसका मतलब रजिस्ट्रेशन जो होता है, यस, देखिए रजिस्ट्रेशन जो होता है, कह रहे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का होता है, ट्रांजैक्शन का नहीं होगा. इस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, रजिस्ट्रेशन इज ऑफ द डॉक्यूमेंट नॉट ऑफ अ ट्रांजैक्शन. आपको ये बात समझ में आई? मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, हमने आपसे कह दिया भाई आप यहाँ पर रोज पढ़ने आते थे, हमने कहा आज से ये बिल्डिंग आपकी, जाओ खुश हो जाओ. ठीक है, और हम लोग चले गए रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार से कहा कि भाई हमारे इस ट्रांजैक्शन को आप अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट कर लीजिए. रजिस्ट्रार कहेगा ऑन व्हाट बेसिस? आपके बीच में ओरल ट्रांजैक्शन हुआ है, हम कैसे विश्वास माने कि आपके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है? ही नीड्स अ डॉक्यूमेंट, ही नीड्स अ डीड. ओके, तो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हमेशा डॉक्यूमेंट का होता है, ट्रांजैक्शन का नहीं होता. अगर हमारे और आपके बीच में डॉक्यूमेंट ही नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन का कोई भी मतलब अराइज नहीं होगा. तो आई होप यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है. आगे बढ़ते हम लोग रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पर अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि दो कैटेगरीज हैं. ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, यानी अगर आपने उस ट्रांजैक्शन में एंटर किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा. ठीक है, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है. ऑप्शनल का मतलब अगर आप चाहो तो आप कराओ, आप चाहो तो उसका रजिस्ट्रेशन ना कराओ. तो ये कह रहे हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस टॉपिक को. ओके, देखिए कह रहे हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज. सेक्शन 17 में हम लोग बात करते हैं उन ट्रांजैक्शंस की, उन डॉक्यूमेंट्स की जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और सेक्शन 18 में हम लोग उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है. ठीक है, तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. यानी अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, यानी अगर आपने ये ट्रांजैक्शन किया है तो आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में अपडेशन करानी पड़ेगी. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टिल हियर?
यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन. आई डोंट नो वेदर यू ऑल आर अटेंडिंग और नॉट. क्लासरूम में बच्चे तो बहुत सारे हैं बट दे आर नॉट रिप्लाइंग. फटाफट से जवाब दो भाई. नो मैम, नो मैम. ओके, बाकी बच्चे, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? या चला हमको चला के कहीं छोड़ दिया? ऐसा तो नहीं है आपने हमको चला के और रूम में रख के आप कहीं चले गए हैं? सब हैं साथ में? सबका साथ में होना बड़ा ज़रूरी है. पता चला हमको फ़ोन पे आपने चला दिया, हम अकेले कमरे में बड़बड़ा रहे हैं और आप चले गए कहीं. ऐसा मत करिएगा, हमें ऐसे अकेले मत छोड़ के जाइएगा. तो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आई थिंक आंसर इज यस. फाइन फाइन. तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डॉक्यूमेंट हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. सबसे पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. वैसे हम पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता दें आपको. आपकी बुक में देखिए, जिनके पास पुरानी बुक होगी उसमें एक थोड़ा सा चीज नहीं दी होगी. ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर बी पॉइंट है, और फिर देखो इन्होंने न्यू बुक में ना इसको थोड़ा सा कंपाइल करके लिख दिया है. ये पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर, और एक और पॉइंट आता है यहाँ पॉइंट नंबर फाइव जो इन्होंने नहीं लिखा है, वो अभी हम आपको लिखवा देंगे यहाँ पर विद एग्जाम्पल. तो जितना भी डिटेल्ड मैटर है ना, वो सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ेंगे ही. इकट्ठा उन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है. देखो लिखा है, फॉलोइंग आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंट हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर सेक्शन 17. तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है. आपके में कैसे दिया हुआ था? अलग अलग दिया हुआ था. जैसे पॉइंट नंबर वन ये है, फिर पॉइंट नंबर टू ये है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री ये था, सी, दिस इज पॉइंट नंबर थ्री. देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक लीज वाला पॉइंट है, दिस वॉज पॉइंट नंबर फोर. और फिर एक पॉइंट है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, दिस वॉज पॉइंट नंबर फाइव. तो वो थोड़ा सा ना अलग अलग इधर उधर करके दिया हुआ है. तो इन्होंने न्यू बुक में क्या करा है, इन्होंने एक चार्ट ऐसा दे दिया है जिसमें एग्जाम्पल के साथ इन्होंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. हम लोग दोनों ही करेंगे, दोनों सेम मैटर है. ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, एक में चार्ट फॉर्म में है और एक में डिटेल है, कंटेंट सेम है. चलो सबसे पहले बात करते हैं. नहीं बेटा, वो पॉइंट नंबर सिक्स नहीं है, बस पांच ही पॉइंट्स हैं इसके. ये वाला कह रहे हो आप, आई गेस ये ई पॉइंट, इसको ये कोई पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक पैराग्राफ है. इसका ई वाला कट कर दीजिए. देयर आर ओनली फाइव ट्रांजैक्शंस. ठीक है, फाइव ट्रांजैक्शंस हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. तो ये जो ई लिखा है ना, इसको कट कर दो. ये मतलब पूरा कंटेंट मत कट करो, ई पॉइंट कट कर दो. वो ई नहीं है, वो पैराग्राफ है. ठीक है, वो अभी हम यहाँ पर आपको ना कंपाइल करके लिखवा देंगे तो आपके सामने इकट्ठा सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. कह रहे हैं अगर हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट के फॉर्म में दे रहे हैं. ठीक है, सबसे पहली बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए, लैंड, बिल्डिंग. ठीक है, और वो प्रॉपर्टी हम आपको गिफ्ट पे दे रहे हैं. जरा सबसे पहले ये समझते हैं गिफ्ट का ट्रांजैक्शन क्या होता है. गिफ्ट में बताइए कंसिडरेशन होती है कि नहीं होती है? कंसिडरेशन होती है गिफ्ट पे कि नहीं होती है? फटाफट से आंसर दो. गिफ्ट में कंसिडरेशन, ये तो बड़ा पता होगा. गिफ्ट गिफ्ट तो आप लेते रहते हैं, देते भी रहते हैं शायद, है ना, देते हैं लेते हैं. तो फ्री ऑफ कंसिडरेशन होता है गिफ्ट? एब्सोल्युटली सबका आंसर है नो. इन केस ऑफ गिफ्ट देयर इज नो कंसिडरेशन. यानी कि हम आपको प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं. ऐसे ट्रांजैक्शन को गिफ्ट कहा जाता है. अब जरा फटाफट से मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हमको ये भी बताएंगे कि गिफ्ट के केस में जो दो पार्टीज होती है उनको क्या कहा जाता है. आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू सेड कि आप लोग मेरे साथ रहते रहते इंटेलिजेंट हुए हो. तो हमको फटाफट से बताओ, व्हाट आर द टू पार्टीज इन गिफ्ट? गिफ्ट में दो पार्टीज कौन सी होती हैं? जैसे सेल में बायर एंड सेलर होते हैं, ऐसे ही बताओ गिफ्ट में व्हाट आर द टू पार्टीज. एक आंसर आया है अभी मेरे पास, फटाफट से बताइए व्हाट आर द टू पार्टीज इन गिफ्ट. आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड इट और नॉट.
जस्ट वन आंसर आई हैव गॉट, डोनर. एब्सोल्यूटली. और किसी को पता है डोनेशन? अरे डोनेशन क्या हुआ? डोनर एंड डोनी. एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली. जिन बच्चों को नहीं पता है उनको हम बता देते हैं, गिफ्ट के केस में दो पार्टीज होती है, डोनर एंड डोनी. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डोनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट धोनी, आई एम टॉकिंग अबाउट डोनी. ठीक है, डोनर जो दे रहा है, जो डोनेट कर रहा है, ठीक है, डोनी जिसको वो गिफ्ट मिला है. तो जब भी लिख लेना ये चीज, जब भी हम गिफ्ट की बात करते हैं, गिफ्ट के केस में दो पार्टीज होती है, डोनर एंड डोनी. जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो होता है डोनर, और जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है वो होता है डोनी. ठीक है, तो गिफ्ट की सबसे पहली बात, गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता. सेकेंड, देयर आर टू पार्टीज इन अ गिफ्ट, वन इज द डोनर एंड वन इज द डोनी. तो ओनरशिप जो है वो डोनर से पास होके चली जाती है किसके पास? डोनी के पास. ठीक है, अगली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गिफ्ट इज कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. गिफ्ट इज कंप्लीट, लिख लो, यहीं पर लिखो, यहां पर लिख लो आगे. गिफ्ट इसलिए लिखवा, लिखा है नीचे भी, लेकिन आप बड़ा बड़ा ऊपर ऊपर लिखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा. गिफ्ट इज कंप्लीट, लिखिए, फ्रॉम द डेट ऑफ, बाकी लिख लो अपने आप. गिफ्ट इज कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. गिफ्ट इज कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. इसका मतलब समझिए, जिस दिन हमने आपको गिफ्ट दिया, रादर जिस दिन डोनर ने गिफ्ट दिया और डोनी ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन से वो गिफ्ट कंप्लीट माना जाता है, उस दिन से वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट माना जाता है, भले ही अभी उसका रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्री हुई हो या ना हुई हो. मेरी इस लाइन को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से एकदम दिमाग में बिठा लो. जिस दिन हमने आपको गिफ्ट दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गिफ्ट का ट्रांजैक्शन वहीं पर ही कंप्लीट मान लिया जाता है. गिफ्ट इज कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, रजिस्ट्री भले ही बाद में हुई हो, लेकिन वो गिफ्ट कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. आ गई बात समझ में? ठीक है, फाइन. तो यहां पर ये बात ये कह रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, जब हमने यानी कि डोनर ने कोई प्रॉपर्टी डोनी को गिफ्ट करी, ओके, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, एक डीड बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं गिफ्ट डीड. जैसे सेल के केस में बनती है सेल डीड, वैसे ही गिफ्ट के केस में बनती है गिफ्ट डीड, राइट. ये जो गिफ्ट डीड है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है. दो बातें हैं, पहली चीज, गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, लेकिन गिफ्ट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के दिन से नहीं होगा. गिफ्ट विल बी कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, फाइन. अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आई है, तो हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, वो आपको बताना है. फॉर एग्जाम्पल, एक है डोनर, ठीक है, और एक है डोनी. डोनर ने लेट से 1st of August को एक गिफ्ट दिया डोनी को, ठीक है, और डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया वो गिफ्ट लेट से 10th of August को, ठीक है, फाइन. डोनर ने 1 अगस्त को गिफ्ट दिया है डोनी को, और डोनी ने 10 अगस्त को वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है. इसके बाद डोनर की हो गई डेथ, डोनर की डेथ हो गई 10 अगस्त के बाद, लेट से 15 अगस्त वाले दिन. एक्चुअली डोनर 15 अगस्त वाले दिन बहुत इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा वो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सोचने लग गए, इमोशनल हो गए, और वो मर गए, ठीक है. अब हमको बताओ, ये गिफ्ट कंप्लीट है कि नहीं है? यस या नो में जवाब देना है. इज दिस गिफ्ट कंप्लीट? एक बच्चा कह रहा है नो, बाकी सब कह रहे हैं यस. बाकी बच्चे बताएं, इज दिस गिफ्ट कंप्लीट और नॉट? फटाफट से आंसर दीजिए, दिस गिफ्ट इज कंप्लीट और नॉट? क्यों कंप्लीट है बताइए?
कंप्लीट क्यों है? डोनर की तो डेथ हो गई, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है. रजिस्ट्रेशन हैज नॉट येट बीन डन. रजिस्ट्रेशन अभी इसका नहीं हुआ है. बताओ गिफ्ट कंप्लीट है कि नहीं है? कंप्लीट है? फाइनल आंसर बताओ, कंप्लीट है कि नहीं है? अच्छा, ये गिफ्ट कंप्लीट है. यस, ये गिफ्ट कंप्लीट है, क्योंकि गिफ्ट इज कंप्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. यही तो बता रहे थे हम अभी तक. गिफ्ट को कंप्लीट होने के लिए रजिस्ट्री से मतलब नहीं है. गिफ्ट कंप्लीट उस दिन से हो जाता है जिस दिन से एक्सेप्ट हुआ है. हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. 15 अगस्त को डोनर की डेथ हो गई, अब डोनी अकेले इस डीड को ले जाके रजिस्ट्री करा ले तो भी ये डीड वैलिड मानी जाएगी, ये गिफ्ट वैलिड माना जाएगा. किस दिन से वैलिड है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि 10th August. दिस इज वॉट इज नोन एज दैट द गिफ्ट इज कम्प्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो चाहे रजिस्ट्री अभी हुई हो, रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है, नो डाउट, लेकिन वैलिड किस दिन से होगा? द गिफ्ट विल बी वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ओके, एक डाउट आया मैम, इसका रजिस्ट्रेशन तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो हमने आपसे ये पूछा ही नहीं था कि रजिस्ट्रेशन कब हुआ है कि नहीं. हमने तो आपसे सिर्फ ये पूछा गिफ्ट कंप्लीट है कि नहीं है. मतलब डोनर अगर 1st August को गिफ्ट देता है, डोनी ने 10 अगस्त को गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, 15 अगस्त को डोनर की डेथ हो गई, तो क्या ये प्रॉपर्टी वापस डोनर के घर वालों के पास चली जाएगी कि डोनी रखेगा? बताओ, वापस चली जाएगी, मतलब ये गिफ्ट का ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा? ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि डोनर अपने मरने के पहले वो गिफ्ट डीड साइन करके जा चुका था और वो गिफ्ट डीड डोनी ने एक्सेप्ट कर ली थी. तो डोनर के गिफ्ट देने के बाद और डोनी के एक्सेप्ट करने के बाद, इवन इफ डोनर की डेथ हो जाती है तो भी उससे गिफ्ट की वैलिडिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, अधूरा है कुछ. क्या अधूरा है? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. तो कोई बात नहीं, डोनी अकेले जाकर के उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लेगा, क्योंकि वो डीड तो ऑलरेडी साइन हो ही गई थी जब इन दोनों ने आपस में ट्रांजैक्शन किया था. अब बताइए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रजिस्ट्रेशन होना एक अलग बात है, ठीक है, गिफ्ट कंप्लीट होना अलग बात है. रजिस्ट्रेशन होता है जब हम रजिस्ट्रार के पास जाके उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और एक्सेप्ट होता है जब हम उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. दैट मींस व्हेन द डोनी एक्सेप्ट्स द गिफ्ट. अगर डोनी की डेथ, हमें पता था आप डोनी को जरूर मारोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता. जब ऐसा कुछ होता है ना तो बच्चे सबको मार डालते हैं एक एक करके. डोनी, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आप ही चली गई तो क्या होगा, बस हम चले गए तो बस बचा हुआ चैप्टर अपने आप संभाल लेना. अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है मैम डोनी की डेथ हो गई तो क्या हो गया, तो क्या होगा बताओ? डोनी की डेथ हुई तो क्या हुआ? कुछ नहीं. डोनी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो करा लेंगे रजिस्ट्री. ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया था, ओनरशिप डोनी के पास आ गई थी, ठीक है. डोनर की तो हमने बताया ही बेटा, डोनर की तो डेथ हो ही गई थी. डोनर डोनी दोनों की डेथ हो गई, दोनों पार्टी करने गए, दोनों की डेथ हो गई तो भी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट है. लीगली द प्रॉपर्टी विल नाउ बिलोंग टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डोनी. सबको मार दिया हमने एक एक करके, हम ही बचे हैं अब. तो आई थिंक नाउ दिस थिंग इज वेरी क्लियर, है ना? ओके, क्लियर है? बता दो जल्दी से. जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे वो बता दें, इज इट क्लियर और नॉट, है ना? क्लियर है ना? ठीक है, वापस चलते हैं. हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम आपको बता रहे थे सेक्शन 17 के अंदर वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, है ना? कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनका कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. यानी कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, लेकिन वो गिफ्ट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की डेट से नहीं होगा. किस डेट से होगा? वो होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. बस सब कुछ हो गया, अब पढ़ लेते हैं. इन केस वेयर डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन, सब कुछ बता दिया हमने आपको. कह रहे हैं अगर रजिस्ट्रेशन के पहले डोनर की डेथ हो जाती है, द डॉक्यूमेंट मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर हिज डेथ एंड इफ रजिस्टर्ड इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज रजिस्ट्रेशन इन हिज लाइफ टाइम.
बताइए समझ में आई कि नहीं आई. वेयर डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन, बताओ क्या सिचुएशन है. कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन के पहले अगर डोनर की डेथ हो गई तो भी, अगर डोनी अकेले जाके उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लेगा तो भी वो रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा. क्लियर. ऑन रजिस्ट्रेशन द डीड ऑफ गिफ्ट, ये क्या लिखा है ऑन रजिस्ट्रेशन. कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद द डीड ऑफ गिफ्ट ऑपरेट्स एज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है, एज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ, जिस दिन एक्सेप्ट हुआ, वहां से वो वैलिड माना जाएगा. और अगर डोनी ने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं तो प्रॉब्लम है. डोनर ने गिफ्ट दे दिया, डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन डोनी ने उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, देन देर इज अ प्रॉब्लम. वाई? बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. यहाँ डोनी ने गलत किया, लेकिन अगर डोनी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो गिफ्ट उस दिन से वैलिड नहीं होगा जिस दिन से रजिस्टर हुई है, गिफ्ट उस दिन से वैलिड होगा जिस दिन से एक्सेप्टेंस हुई. क्लियर? ठीक है, केस इंपॉर्टेंट मार्क करो. कोई डाउट आए आपको तो पूछ लेना, टाइप कर लेना. हाँ, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है. ओके, एक केस दिया हुआ है, केस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. कल्याण सुंदरम करुअप्पा वाइल, और ये लाइन जरा पढ़ के देखो समझ में आ रही है कि नहीं. समझ में आ जानी चाहिए. वाइल रजिस्ट्रेशन इज अ नेसेसरी सॉलेमनिटी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ अ गिफ्ट. कह रहे हैं गिफ्ट के इन्फोर्समेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी तो है. इट डज नॉट सस्पेंड द गिफ्ट अंटिल द रजिस्ट्रेशन. कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि गिफ्ट सस्पेंड हो जाएगा जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता. व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट हैज बीन हैंडेड ओवर बाय द डोनर टू द डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय हिम, द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब डोनर, डोनर हैज डन एवरीथिंग इन हिज पावर टू कंप्लीट द डोनेशन. जैसे ही उसने गिफ्ट डीड को साइन कर लिया, अब डोनर ने तो भेज दिया, डोनर ने अपना सारा काम कर लिया. ठीक है, एंड इफ इट इज प्रेजेंटेड बाय अ पर्सन हैविंग नेसेसरी इंटरेस्ट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड द रजिस्ट्रार मस्ट रजिस्टर इट. अगर बाद में भी, डोनर की डेथ के बाद में भी अगर डोनी ने रजिस्ट्री के लिए उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया है तो रजिस्ट्रार को उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा. ये लाइन देखो, नीदर डेथ नॉर एक्सप्रेस रिवोकेशन बाय द डोनर इज अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर कंप्लाइड विद. अब बताइए ये पैराग्राफ क्लियर है कि नहीं. केस लॉ के नाम कैसे याद रहेंगे? याद हो जाए तो ठीक है, ना याद रहे तो छोड़ दो, जजमेंट याद रखिएगा. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, अगर केस लॉ के नाम आपको याद हो जाते, अपना नाम रख लो कल्याण सुंदरम, याद रहेगा. कल्याण सुंदरम हो, आपको गिफ्ट मिलते रहते हैं, बस याद रहेगा. ठीक है, अगर अगर ऐसे याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये ज़रूर याद रखना कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दैट. जैसे कल्याण सुंदरम केस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, द गिफ्ट इज कम्प्लीट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑल्दो रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी. तो ये मेन लाइन याद रखनी, केस का नाम नहीं याद रहता है कोई बात नहीं. क्लियर है सबको? फर्स्ट पॉइंट, जग रहे हैं सब कि सो गए? इज एवरीवन देयर? सब हैं कि नहीं है? यही पढ़ रहे हो जो हम पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ रहे हो? ओके ओके, बाकी बच्चे, बाकी भी रिप्लाई कर ले. वही बच्चे बार बार लिखे चले जा रहे हैं, डोनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया. और ओके, एक डाउट आया है मैम, अगर डोनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया गिफ्ट. ओके, कह रहे हैं डोनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और डोनी ने वो गिफ्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो वो बेटा वैलिड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी था, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है देन इन दैट केस डोनी कैन नॉट ट्रांसफर दैट गिफ्ट टू एनीवन एल्स. जो थर्ड पार्टी है ना, उसको चेक करना पड़ेगा, वो बोनाफाइड नहीं कहलाया जाएगा. उसको चेक करना पड़ेगा कि भाई आप हमें, फॉर एग्जांपल हम आपको आज कह रहे हैं कि हम आपको ये प्रॉपर्टी के पेपर्स गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप इसको लेने के पहले चेक करोगे ना कि मेरे पास ओरिजिनली था कि नहीं था. तो ये जो थर्ड पर्सन जिसको दे रहे हैं, ही शुड नॉट टेक द प्रॉपर्टी, और वो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगा. ओके, चलो सेक्शन 17,
सेक्शन 17 में हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, जिसमें सबसे पहले था इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. देखो इसका एक एग्जांपल दिया है इंस्टीट्यूट ने. फर्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ए, गिफ्टेड अ फ्लैट इन न्यू दिल्ली टू बी थ्रू अ गिफ्ट डीड. उन्होंने एक गिफ्ट डीड बनाई और गिफ्ट डीड के थ्रू उन्होंने एक फ्लैट जो है वो गिफ्ट कर दिया. दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ द डीड इज कंपल्सरी. इसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है. ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे. कह रहे अदर नॉन टेस्टमेंटरी इंस्ट्रूमेंट विच परपोर्ट और ऑपरेट टू क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट एक्सटिंग्विश वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट वेदर वेस्टेड कंटिंजेंट ऑफ वैल्यू ऑफ 100 rupees और अपवर्ड टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये क्या लिखा है मैम? देखिए, एक तो बॉल आती है जो टिप्पा खा के जाती है और एक बॉल होती है जो बाउंसर होती है. ये बी पॉइंट तो हमारे बिल्कुल बाउंसर हो गए. कोई नहीं, धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे इसको. इसको समझने के पहले दो वर्ड समझेंगे हम लोग, है ना? बाउंसर था ना. सबसे पहले हम लोग दो वर्ड समझेंगे, टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, देखो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री. शायद ये शब्द पहली बार आप सुन रहे होंगे. कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज हमने अपनी विल लिखी, ठीक है, हमको ऐसा लग रहा था कि हम जाने वाले, तो हमने सोचा लाओ अपनी विल लिख दे. ठीक है, तो आज हमने अपनी विल लिखी, तो हमको ये बताओ आज हम जिंदा हैं, आज हम अपनी विल लिख रहे हैं, तो मेरी विल, मेरी वसीयत आज से इफेक्टिव हो जाएगी या मेरे मरने के बाद इफेक्टिव होगी, ये बता दो हमको. बताइए, आज हमने अपनी विल लिखी, हमने वसीयत लिखी, तो मेरी विल आज से इफेक्टिव हो जाएगी कि मेरे मरने के बाद इफेक्टिव होगी? आफ्टर डेथ ऑब्वियसली. आज तुम जिंदा है ना, याद करो पिक्चरों में होता है जब डेथ हो जाती है तब वो वकील आता है फाइल लेकर के, है ना? तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आज अगर हमने विल बनाई है तो मेरी विल इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं है, वो इफेक्टिव होगी मेरे मरने के बाद. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होते हैं उनको हम लोग कहते हैं टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, पहले सुन लो पूरा फिर लिख लेना, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली इफेक्टिव होते हैं. इमीडिएटली इफेक्टिव होने का मतलब जैसे सेल डीड, सेल डीड, मेरे और आपके बीच में एक सेल का ट्रांजैक्शन हुआ. ठीक है, हमने एक वो डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें सेल का ट्रांजैक्शन लिखा और आपको हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी. जिस दिन हम दोनों ने साइन कर दिया उस दिन से वो ट्रांजैक्शन इफेक्टिव है. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है नॉन टेस्टामेंट्री. तो दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री. वो ट्रांजैक्शन जो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होते हैं जैसे कि विल, उनको हम लोग कहते हैं टेस्टामेंट्री. और वो ट्रांजैक्शन जो इमीडिएटली इफेक्टिव होते हैं, सेल डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, जितने भी ये डीड्स हैं वो उस दिन से इफेक्टिव हो जाती हैं जिस दिन से दोनों पार्टीज ने साइन कर दिया. इसको कहा जाता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो जितनी भी ये डीड्स हैं, सेल डीड, गिफ्ट डीड, ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है. लिखना हो तो लिख लो, यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन, लिख लीजिए जो इमीडिएटली वैसे लिखा है. मैम ये पहले बताना चाहिए था आपको. हाँ ये देखो लिखा है ना, अ डॉक्यूमेंट विच इज प्लेनली इंटेंडेड टू बी ऑपरेटिव इमीडिएटली इज नॉन टेस्टामेंट्री. जो इमीडिएटली ऑपरेटिव होता है वो नॉन टेस्टामेंट्री होगा और जो इमीडिएटली ऑपरेटिव नहीं होता है वो टेस्टामेंट्री होगा. अब ये कह रहे हैं एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई डीड जिससे, कह रहे हैं कोई एक डीड, कोई एक इंस्ट्रूमेंट, कोई एक डॉक्यूमेंट अदर देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों हटाया? क्योंकि गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो फर्स्ट पॉइंट में कवर ही हो गया था, तो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हटा दिया. कह रहे कोई भी डीड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे कोई अधिकार क्रिएट हो रहा हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जिसकी वैल्यू 100 rupees से ज्यादा की हो. शॉर्ट में एकदम रीड किया हमने आपके लिए. कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार क्रिएट या लिमिट हो रहा हो जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 rupees से ज्यादा की है,
ऐसे जो भी डीड्स होंगी उन डीड्स का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा. नाउ फॉर एग्जांपल, हम आपको एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 1 लाख रुपए की. एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, हम आपको वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया. ठीक है, अब जरा सारे पॉइंट्स मैच करेंगे. हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हम दोनों साइन करेंगे और वो इमीडिएटली ऑपरेटिव हो जाएगा. तो बताओ ये सेल डीड है, क्योंकि तो बताओ ये टेस्टामेंट्री हुआ कि नॉन टेस्टामेंट्री हुआ. मैम ये नॉन टेस्टामेंट्री हुआ. ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि नॉन टेस्टामेंट्री है, जिससे किसी प्रॉपर्टी पे एक राइट क्रिएट हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं. ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी और इसकी वैल्यू 100 रुपए से ऊपर की थी. अगर ये डॉक्यूमेंट ऐसा ट्रांजैक्शन करा रहा है तो इस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है. आ गई बात समझ में? ठीक है, चार पॉइंट हैं. कह रहे हैं कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हो जिससे कोई राइट क्रिएट हो रहा हो, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा की, और वैसे भी सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 से ज्यादा की ही होगी आज की डेट पर. ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है. ठीक है, जरा इसका एग्जांपल देखो. यही था सेकंड पॉइंट, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. यही पूरी लाइन थी, विच परपोर्ट टू ऑपरेट, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश, वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, एनी राइट टाइटल ऑफ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट इन विच इन दिस एक्ट इज इन फोर्स. यही था. अब देखो एग्जाम्पल, कह रहे हैं ए सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड, अ प्लॉट इन मुंबई टू बी थ्रू अ सेल डीड, जिसके लिए उन्होंने एक सेल डीड बनाई. ये देखो, ये सेल डीड जो कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, इस सेल डीड से एक अधिकार इस्टेब्लिश हुआ है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जिसकी वैल्यू 25 लाख है. बताओ इस सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है कि नहीं? यस, द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस सेल डीड इज मैंडेटरी. अब बताओ ये सेकेंड पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस सेकेंड पॉइंट क्लियर टू ऑल? दो अभी तक पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं, बाकी बच्चों का क्या समझे? हाँ बेटा, प्लॉट इमूवेबल है तभी तो. अगर प्लॉट मूवेबल होता तो ये इस पॉइंट में कवर कहाँ होता? गिफ्ट डीड नॉन टेस्टामेंट्री है और क्या. गिफ्ट डीड नॉन टेस्टामेंट्री है, जिस दिन से हम दोनों ने साइन किया उस दिन से ऑपरेटिव है. गिफ्ट डीड इज नॉन टेस्टामेंट्री ऑब्वियसली. प्लॉट, ये समझ आ गया ना, प्लॉट इमूवेबल है तभी तो इस पॉइंट पे कवर हो रहा है बेटा. इमूवेबल प्रॉपर्टी तो चाहिए. ये देखो, ठीक है, ऑल डाउट्स क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सबके डाउट्स क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? बेटा फर्स्ट वाले में गिफ्ट है, दूसरे वाले में गिफ्ट में नहीं है, कंसिडरेशन है. देखो ना, 25 लाख की जमीन दे रहे हैं हम. पहले वाले में गिफ्ट था, हम आपको एक लैंड दे रहे हैं गिफ्ट में, फर्स्ट पॉइंट कवर होगा. हम आपको एक लैंड दे रहे हैं बदले में पैसा ले रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में कवर होगा. ठीक है, फाइन. तभी तो उन्होंने सेकेंड वाले में बोल दिया था अदर देन गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में कवर कर चुके थे. ठीक है, एक डाउट हमें समझ नहीं आ रहा है, आप क्या पूछना चाह रहे हो, आप अलग से पूछ लेना. चलो आई थिंक बाकी सबको ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं. हम लोग पूछ रहे हैं सेक्शन, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 17, जिसमें अभी तक हम लोग ने दो पॉइंट्स पढ़े हैं कि वो कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है. ठीक है, मैंडेटरी में दो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड कोई भी ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट अदर देन गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी कवर हो चुका है. ठीक है, कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिससे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई राइट क्रिएट हो रहा है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा की है, ऐसा कोई भी अगर हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. दीज आर टू पॉइंट्स अभी तक जिनका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे. यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, और अगर आप यहाँ पे अपना डाउट नहीं समझा पा रहे हो तो आप मुझे अलग से मैसेज कर दीजिएगा. आई थिंक आप वॉइस नोट भेज देना तो आई थिंक आई विल बी मोर क्लियर टू अंडरस्टैंड योर डाउट.
यहाँ तक जितना भी है आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस, एंड बाय बाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय.